क्वेश्चन शुरू करते हैं कार्बनिक रासायनिक जो है कार्बनिक रासायनिक से जो एम से बनते हैं आपका केमिस्ट्री से सब्जेक्ट से है टाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था बताइए कौन सा कार्बनिक यौगिक था जो कि प्रकाश संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक बना कौन था बताइए आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यूरिया कौन था यूरिया ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे यूरिया था एक मिनट रुक जाइए थोड़ा देख लेता हूँ सही है हाँ एकदम यूरिया एकदम सही आंसर है आप एकदम कंफर्म हो जाइए ठीक है चलेंगे दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न क्या बोलता है दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि आपको कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है बताइए का, कार्बनिक यौगिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है प्राकृतिक में प्राकृतिक में कौन सा है आप अब उसका नाम जानते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है तो जानते हैं सेलुलोज सेलुलर्स जो है एक प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है ठीक है चलेंगे आपके सामने तीसरा प्रश्न आपके सामने है ठीक है तीसरा प्रश्न क्या बोलता है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व जो है सामान्यता होते हैं बताएंगे कार्बन ना, नाइट्रोजन गंधक और फसफोरस सॉरी आप खुद पढ़ें तो आसानी होगी मैं चाहता हूं कि आपको बिहार एसएससी में 25 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट खुद करें बस मैं उसका प्रैक्टिस करा दूँ और मुझ पर आप भरोसा कीजिए ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी फाइव नहीं आया तो आप मेरा चैनल नहीं देखिएगा लेकिन मैं वादा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही साइंस से क्वेश्चन मिलेगा इतना मैं एम सी क्यू करवाऊँगा बस एक बार दो बार आप तीन चार बार देख लीजिएगा जरूर एम सी क्यू अगर कहीं भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं लेकिन आकर नए कांडिक शिक्षा मंत्र पर एम सी क्यू जरूर करें देखिए आपको रिजल्ट देगा मुझे मत क्रेडिट दीजिए मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका पास हो जाए बिहार है जी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जरूर मिलेंगे कोई भी कितना भी धांधली क्यों ना हो लेकिन रिजल्ट मेरे क्वेश्चन जरूर मिलेगा वहाँ आप जरूर जाइएगा चलिए इसका आंसर का जवाब दीजिए तो इसका आंसर का जवाब तो है आपके सामने ऑप्शन नंबर तीन का ए कार्बन ठीक है कार्बनिक यौगिक पढ़ रहा है तो कार्बन कार्बन थोड़ा लॉजिक लगाइएगा हो जाएगा ठीक है चौथे प्रश्न चौथे प्रश्न क्या है चौथे प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक में सी एस थ्री ओ एज का आई यू पी एस सी पद्धति के नाम बताइए जैसे आप मान लीजिए आई यू पी ए जानते होंगे आई यू पी एस सी ए जो जानते होंगे उनके लिए तो ठीक है जो नहीं जानते जैसे कि आपका जैसे मानव का एक रासायनिक नाम होता है उसी तरह सी एस थ्री ओ एच का इसमें बताइए पद्धति का नाम इसके तहत बताइए क्या नाम होता है ठीक है समझ गए चार ऑप्शन है आपके सामने बहुत इजली है चार ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए मेथनॉल होता है ठीक है तो सी एस थ्री ओ एच का जो है मतलब आई यू पी एस सी है मेथनॉल है ठीक है चलेंगे पांचवा प्रश्न आपके सामने है पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि इथेलिन का आई यू पी एस सी नाम है बताएंगे क्या नाम है बताइएगा उसका भी एक तरह से रासायनिक नाम बताना है इथलिन का आई यू पी एस सी नाम बताइए क्या होगा तो पांचवें प्रश्न का आंसर का जवाब आपके पास है इथीन क्या नाम है इथीन ठीक है आगे चलेंगे एसिटिलीन का आई यू पी एस सी नाम बताइए बताएंगे एसीटिलीन का यू पी सी नाम बताएंगे, फटाफट बताएंगे आपके सामने चार ऑप्शन हैं ठीक है ठीके? आप खुद बनाएं, कॉन्फिडेंस लाएं, वापस ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इथाइन क्या है इथाइन याद रखिएगा तो इथाइन होता है क्लोरोफॉर्म का आई यू पी एस सी नाम क्या है बताएंगे आई यू पी सी नाम जो है क्या है बताएंगे आपके सामने चार ऑप्शन सामने हैं आप बताएंगे क्या होगा क्लोरोफॉर्म का आई यू पी एस सी नाम बताएंगे क्या होगा तो सेवन का आंसर जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है ट्राईक्लोरोन क्या है ट्राईक्लोरोन -मिथेन, मिथेन याद रखिएगा याद हो जाएगा ठीक है और ट्राई करते रहिएगा ऐसे वर्ड याद करने का तरीका है अपना अपना ठीक है आठवां प्रश्न है क्लोरल क्लोरल का आई यू पी एस सी नाम क्या है बताएंगे आपके सामने चार ऑप्शन हैं जवाब देंगे तो क्लोरल का आई यू पी एस सी नाम क्या है जवाब so दीजिए फटाफट आपके सामने चार ऑप्शन है चलिए आठवां क्वेश्चन का आप बताइए आठवां क्वेश्चन आपके सामने है क्लोरल का आई यू पी एस सी नाम बताइए आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे बताएंगे जवाब देंगे तो क्लोरल का आई यू पी एस सी नाम बताएंगे ठीक है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे तो याद रखिएगा आठवां का आंसर का ऑप्शन नंबर डी ठीक है देखिए ट्राई क्लोरो ठीक है ट्राई करते रहिए और इथेनल जोड़ दीजिए ठीक थी, है याद हो गया इस तरीके से आप याद कर सकते हैं जैसे मिथेन का ट्राई ट्राईकूलर तो था ही मिथेन था लेकिन किसका था आप जानते हैं नहीं तो दिखा देते हैं देखिए इसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म का था यू क्या था ट्राइलो क्लोरो मिथेन मिथेन याद रखेंगे इथेन किस में होगा क्लोरन में ठीक है लेकिन ट्राई कोलर है ऐसे तरीके हैं आपने याद करने का ठीक है और मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस ली आप तैयारी करें और मेरे पर भरोसा करें आपका रिज़ल्ट होगा ये मैं वादा करता हूँ आप बस भरोसा जताते रहे और जो जता रहे हैं उनके लिए धन्यवाद थैंक यू फिनॉल एक यौगिक है ठीक है फिनॉल एक यौगिक है बता सकते हैं यौगिक है कौन सा यौगिक है चार ऑप्शन आपके सामने हैं खुद पढ़ें खुद उच्चारण करेंगे तो आपको याद हो जाएगा अगर आपके सामने क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तो फिनॉल तो याद रहेगा ना फिनॉल का यौगिक तो पूछेगा तो याद होगा ना तो उसका जवाब दे सकते हैं आप चार ऑप्शन पढ़ लीजिए खुद आपके सामने टाइम रहता है आपको टाइम के अनुसार में चल रहा हूँ कोई फास्ट नहीं करता ऑप्शन नंबर बी ठीक है एरोमैटिक अगर लगता है कि तेज़ है तो आप स्लो मोशन कर लीजिए अगर आपको लगता है कि स्लो मोशन है तो आप तेज़ कर सकते हैं ठीक है चलिए लेकिन मैं चाहूँगा कि स्पीड में देखें क्योंकि स्पीड में आप जितना माइंड को तेज़ कर सकते हैं वो स्लो में नहीं कर सकते स्लो स्लो ही हो जाता है ठीक है चलिए बकवास ज़्यादा हो गया अब चलते हैं क्वेश्चन पे फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एक सौ उन्नीस क्वेश्चन एल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है क्या है बता सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन बताइए एल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है क्या है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे फटाफट तो बताइए क्या होगा तो याद रखिएगा ओ एच होगा क्या होगा ओ एच होगा आप जो डैश है डबल बाउंड है ये सब आप दिमाग में है बस आंसर का ऑप्शन जवाब दीजिए क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर तो आपको पढ़ा के रखे होंगे अगर नहीं तो आप कमेंट करें मैं उसे डिटेल के रूप में पढ़ाऊंगा चलिए स्टैटिक जीके चल रहा है स्पेशल नौ बजे और याद रखेंगे डेट बता एस्टैटिक जिके आपका नौ बजे चलता है डेली स्टैटिक और करेंट नौ बजे चलता है ध्यान से सुन लें दो बजे चलता है आपका साइंस हमेशा या दस मिनट चले या फुल क्वेश्चन चलेगा चैप्टर बाई चैप्टर चल रहा है और स्पेशली याद रखिएगा दस बजे रात को हमेशा स्टैटिक मतलब आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार बिहारी का रात को दस बजे सेवेंटी फाइव क्वेश्चन का और रिन्नी का एक ट्रेलर दिया हूँ छोटा सा जो कि चार बजे शाम में डालता हूँ जो कि आप अगर उसका अच्छा लगता है कि आपको सेट प्रैक्टिस कर, हो रहा है तो मैं वो रिन्नी का सिर्फ वो अपलोड कर रहा हूँ आप अगर उससे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें तो मैं अपलोड कंटिन्यू करूँगा अन्यथा मैं नहीं चाहता कि रोक दूँ क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों करना ठीक है तो चलिए तो ग्यारहवा प्रश्न है एल एल डी हाइट ठीक है एल डी हाइट में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे एल डी हाइट में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन है तो ग्यारहवा प्रश्न का आंसर याद रखिएगा सी एच ओ क्या आप? याद रखिएगा सी एच ओ ठीक है याद रखेंगे बारहवा प्रश्न क्या है बारहवा प्रश्न क्या है देखिए बड़े बड़े ज्ञान सभी लोग देते हैं लेकिन आप छोटे ज्ञान से अगर रिजल्ट आता है तो छोटे ज्ञान ही लीजिए है कि नहीं चलिए कीटोन कीटोन में कौन सा विक्रियाशील मूलक उपस्थित रहते हैं बताएंगे विक्रियाशील मूलक रहते हैं और थैंक यू मेरे दोस्त कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आप मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को वापस ला रहे हैं इसलिए वेरी 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 थैंक यू थैंक यू ठीक है तो कीटोन में कौन सा विक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है बताएंगे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है सी डबल बॉन्डो कर सकते हैं नहीं तो सी बराबर हो अपना ऑप्शन डिपेंड करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है थोड़ा टेढ़ा होता है साइंस है ना तो उच्चारण में भी टेढ़ा होता है कार्बो किसलिक क्या बोलेंगे कार्बो किसलिक अम्ल जो होता है कार्बो किसलिक अम्ल में उपस्थित अविक्रियाशील मूलक क्या है बताएंगे अविक्रियाशिल्क मूलक क्या है सी एच ओ है या आपके सामने ये चारों ऑप्शन है आप जवाब देंगे खुद उच्चारण करेंगे खुद पढ़ेंगे आंसर देंगे हंड्रेड परसेंट आपको कहीं भी अगर ये क्वेश्चन मिला या किसी भी तरह घुमाया अगर आपको बिहार एस तो आप जरूर रिजल्ट करके आइएगा बस मैं चाहता हूँ चार ऑप्शन आप पढ़ें मैं क्वेश्चन तो पढ़ ही रहा हूँ तो बताइए तेरहवा प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सी डब्लो एच डैश को बोल सकते हैं चलिए आगे चलें चौदाहवा प्रश्न है कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है बताइएगा कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है क्या कहलाएगा क्रियाशील क्रियात्मक समूह उदासीन समूह या निष्क्रिय समूह बताएंगे गार्वनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है क्या कहलाएगा आपके सामने चार ऑप्शन है तो याद रखिएगा क्रियाशील समूह याद रखेंगे क्रियाशील समूह चलिए मेरे दोस्त आगे चलेंगे पंद्रहवा प्रश्न है फटाफट चलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है बताएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है ठीक है हाइड्रो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है आपके सामने ये देखिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है अगर कितना भी हार्ड बनता है ना तो अगर आपको तरीका पता है तो आप कर सकते हैं लेकिन चार ऑप्शन आप खुद पढ़िएगा क्योंकि आसानी होगी ठीक है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आगे आप देख लीजिए चार ऑप्शन को आप खुद पढ़ लिए होंगे नहीं तो पढ़ लीजिए इसमें कुछ अंतर नहीं है सी एन टू एच एन तो समय है लेकिन वन, वन है वन है इसमें टू है टू है ठीक है तरीका देख लीजिए क्योंकि इससे चार पांच क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको आसानी होगा तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र ठीक है आपके सामने चार ऑप्शन देख लिए एक सूत्र का आंसर मैं बताता हूं उसका आंसर आप जान लीजिए ऑप्शन नंबर बी तो याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र जो है सी एन एस टू एन तो है लेकिन इसमें प्लस टू है बस याद रखिएगा यही आंसर है आपका ठीक है तो सी एन एस टू एन प्लस टू है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अब अब देखिए इसी तरह एल्कन आ गया क्या आ गया एल्काइन एल्काइन का समान सूत्र होता है क्या होता है एल्काइन का तो एल्काइन में अब देखिए इसमें भी बस ये गायब है टू माइनस है ही माइनस वन है प्लस टू है अब देखिए प्लस टू वाला तो आप छाड़ सकते हैं है ना एल्काइन में प्लस टू वाला तो छाड़ सकते हैं छाड़ दिए ठीक है क्योंकि संदृप्त हाइड्रोकार्बन है अगर एक ही नाम है उसका दूसरा नाम एल्काइन है या एल्किन है तो सूत्र एक ही होगा तो वो मैं बता दूंगा तो आप बताइए चार ऑप्शन पढ़े हैं आप बताइए इसमें क्या हो सकता है अनुमान लगाइए आप कमेंट करें तो याद देखिएगा इसका आंसर क्या होगा माइनस टू हो जाएगा तो याद देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्लस टू था एल्काइन का समान सूत्र क्या है तो सी एन टू एन माइनस टू हो गया क्लियर अब इसी तरह चलिए एल्कि एल्काइन एल्किन आ गया अब एल्कि का सूत्र देखिए क्या है बता सकते हैं एल्किन का सूत्र क्या है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब दीजिए तो याद रखिएगा एल्किन में देखिए क्या होता है ना न वन होगा न टू होगा न, टू होगा, न प्लस वन होगा सिर्फ एल्किन में सी एन टू एन होगा बस अंतर है ई का ना का कीन का ठीक है याद रखिए एल्कीन मतलब सी एन टू एन एल्काइन क्या होगा बता सकते हैं माइनस टू हो जाएगा असंतृत हाइड्रोकार्बन प्लस टू हो जाएगा अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक किसे चलिए अठारहवा प्रश्न है एल्केन का समान सूत्र होता है एल्केन का बताइए अब एल्केन का समान सूत्र आप बताइए आपके सामने चार ऑप्शन है बताइए इसका तो आप जान गए एल्किन तो इसको छाट दीजिए आप बताइए किस में इसमें माइनस वन माइनस टू माइनस प्लस आप बताइए क्या हो सकता है छटने का तरीका आपको बताया मैंने तो ऑप्शन नंबर सी यही एल्केन जो है आपको याद रखिएगा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता, होता है वही होता है एल्किन का भी सूत्र बस ये याद रखना ठीक है भूलिएगा नहीं प्लस टू अब एसिटिलीन का मूल अनुपातिक सूत्र है अब चलिए क्वेश्चन अब चेंज हुआ चलिए तो एसीटिलीन का मूल अनुपातिक सूत्र क्या है बता सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है तो अब बताइए एसिटिलीन में का मूल अनुपातिक सूत्र जो है आपके सामने चार ऑप्शन है आप जवाब देंगे तो उन्नीसवां प्रश्न का आंसर का जवाब आप जानते हैं सी एच क्या देंगे सी एच अब सी एच का फुल फॉर्म अगर जानते हैं तो कमेंट करें नहीं तो विशेष रूप से मैं जब एम सी क्यू नहीं करवाऊंगा डिटेल पढ़ाऊंगा तब और मैं नहीं चाहता कि डिटेल पढ़ाऊँ क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर आपको पढ़ा रहे हैं टीचर्स पढ़ा रहे हैं निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिक के कि अनुपातिक सूत्र समान होते हैं लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ मेरा एम सी क्यू पढ़ के जाइए अगर नहीं आता है तो बोलिएगा तो बताइए निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप और लाइक करेंगे मेरी मैं जो आपसे आग्रह करता हूँ आपका एक सब्सक्राइबर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है ये मेरा कहना बनता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कंटेंट को अच्छा लगे तभी पढ़ें ज़बरदस्ती ये नहीं कि आप मेरे मुझ पर दया करें और आप अपना टाइम बर्बाद करें अच्छा लगे तभी क्योंकि आपका एक सपोर्ट अच्छा लगता है लेकिन आपका मेरे लिए मैं जो कंटेंट डाला हूँ अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे और अच्छा लगेगा तो थैंक यू जो सपोर्ट कर रहे हैं जो सपोर्ट करेंगे उनके लिए भी पिछवा प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए क्योंकि टाइम ओवर हो गया चलिए ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन एवं बेंजीन ठीक है क्या होता है दो कार्बनिक योगी का मूला अनुपात जो सूत्र है वो एसिटिलीन एवं बेंजीन होता है ठीक है चलिए ट्वेंटी वन का आंसर का जवाब देंगे ट्वेंटी वन का आंसर का जवाब देंगे किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य के द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं क्या कहते हैं याद रखिएगा ये आपको डेली दो बजे दिन में अपलोड हो जाता है साइंस स्पेशल जो चल रहा है उस पर नलिंद्र काढ़ी शिक्षा मंत्र पर जाइए बिहार एस एस सी साइंस इंस्टीट्यूट चल रहा है प्ले लिस्ट बना हुआ है तो किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे बदले सीधे अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं क्या कहलाएंगे तो याद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी उर्धवर्ध पतन क्या कहेंगे उर्धवर्ध पतन याद रखेंगे बाईसवा प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीव द्वारा धीरे धीरे अवघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं तो कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीव धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों को द्वारा धीरे धीरे अवघटित होने वाली क्रियाशील को क्या कहेंगे आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाले क्रिया को क्या कहेंगे आपके सामने चार ऑप्शन है क्या रखिएगा किनवन क्या कहेंगे किनवन किनवन को इंग्लिश वर्ड जो है दिया हुआ है आप पढ़ लेंगे ठीक है तीसवा प्रश्न आपके सामने है तीसवा प्रश्न क्या है किनवन मतलब किनवन जो है का उदाहरण है क्या है उदाहरण आपके सामने बताइए आपके सामने चार ऑप्शन है मैंने चार ऑप्शन पढ़ के पहला चैप्टर में डाला है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ें क्योंकि खुद पढ़िएगा तो आपको रिज़ल्ट खुद अच्छा रहेगा आप सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ऑप्शन पढ़िएगा तो रिजल्ट आपका हंड्रेड हो जाता है आने का क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाता है आप खुद पढ़ते हो तो अगर आप चाहें तो उस ऑप्शन का आंसर लिखिए खुद नोट कीजिए कि कितना नंबर है ऑप्शन नंबर ए बी सी की जगह पे आप आंसर को लिखिए बताइए तो याद देखिएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑप्शन नंबर डी होता है एक मिनट रुके ऑप्शन नंबर डी क्यों होता है क्योंकि दूध का खट्टा होना गीले आटे का खट्टा होना गन्ने के रस से शराब बनाना ये सब जो होता है ये सब किनवन के उदाहरण है ठीक है चलिए चौबीसवां प्रश्न आपके सामने है चौबीसवा प्रश्न क्या है इथिलीन में पॉली का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है बताएंगे इथिलीन से पॉली का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है आपके सामने चार ऑप्शन है बताइए इथिलीन से पॉली इथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है संगहन बहुलीकरण वाष्पन या अपोटन अपस्फोटन इसको पढ़ते हैं बताएंगे छब्बीसवा प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे आपके सामने चार ऑप्शन है तो याद रखिएगा बहुलीकरण क्या कहेंगे ट्वेंटी फोर का आंसर का जवाब देंगे बहुलीकरण ठीक है आगे चलेंगे लकड़ी के भंजक आप पच्चीसवा प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होते हैं लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है याद रखिएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी पायरो लिंग पायरो लिगिनस अम्ल से होता है याद रखिएगा ठीक है पायरो लिगिनस से अम्ल से होता है याद रखेंगे ट्वेंटी सिक्स का आंसर का जवाब देंगे फटाफट जवाब देंगे क्योंकि टाइम वेस्ट ना करेंगे बहुत ज़्यादा है एक सौ उन्नीस क्वेश्चन है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अनु सूत्र जो है समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं चलिए आपके सामने चार ऑप्शन हैं जवाब देंगे ठीक है मैं कहूँगा कि डर लगना चाहिए लेकिन इतना डर ये मत एग्जाम में सामने करने से सामना करने से पहले छोड़ दें सामना कीजिए कॉन्फिडेंस से कीजिए दुनिया बोलने वाली बोलते रहेगी निकलना ना निकलना ऊपर वाले की देन है आप अपनी ओर से कोशिश ना छोड़ें चलिए बताइए याद रखिएगा ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन साइंस का, का टारगेट की है ठीक है चलिए ट्वेंटी सिक्स का आंसर ऑप्शन नंबर सी सम, समा अव्यवी याद रखिएगा शम अवयवी सम अव्यवी बोलते हैं आ की मात्रा लगाइए तोड़ने का अपना अपना तरीका है अगर टेढ़ा लगे तो उसे तोड़ दीजिए शब्द को आपको आसानी हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सम अव्ययता है प्रदर्शित करता है देखिए सम को अलग कर दिए सम अव्ययता हो गया अव्ययता तोड़ दिए तो बताइए इसमें चार ऑप्शन है कौन है बताइए प्रदर्शित करता है ट्वेंटी सेवन का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी प्यूटिंग कौन होता है प्यूटिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तोड़ते हैं चलिए ट्वेंटी एट का आंसर का जवाब देंगे नॉर्मल ब्यूटेन नॉर्मल जो होता है नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन है क्या है ये आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे आप कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए गलत हो या सही हो वो मायने नहीं रखता बस आप अपने आप पे भरोसा रखें रिजल्ट जरूर होगा क्योंकि आपका भरोसा ही ऊपर वाला देखता है तभी भाग बदलता है ठीक है हमारा मोटिवेशनल डायलॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक किस से ट्वेंटी एट का आंसर का जवाब देंगे चिन आइसो सोमर ठीक है चिन्ह आयुष सोमर थोड़ा कर देते हैं डायलॉग मार देते हैं लेकिन आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है ये ध्यान रखेंगे ट्वेंटी नाइन का आंसर का जवाब देंगे पेट्रोल जिस मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में जिस मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे बताइएगा पेट्रोल जिस मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है ये आपके सामने चार ऑप्शन है चार ऑप्शन बार बार मैं बोल रहा हूँ खुद पढ़ें ऑप्शन ज़रूर पढ़ें क्योंकि ऑप्शन पढ़िएगा तो रिजल्ट आपका आना हंड्रेड परसेंट श्योर हो जाता है क्योंकि आपके माइंड में वो ऑप्शन सेट हो जाता है तो अगर आपके सामने उठ भी ऑप्शन आएंगे तो आप उस ऑप्शन का आंसर कर दीजिएगा ठीक है तो बताइए क्या होगा आंसर बताएंगे आपके सामने ट्वेंटी नाइन का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन ठीक है चलिए टडी थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा मेरे दोस्त लेकिन मैं चाहूँगा आप स्पीड करके पढ़ लेंगे मैं स्लो स्लो पढ़ता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए जब पेट्रोलियम को पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सार्वधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है बताइए सार्वधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है क्या होती है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है डी होता है पेट्रोलियम इथर क्या होते हैं पेट्रोलियम इथर याद रखेंगे है ना चलिए आगे चलेंगे थर्टी वन का जवाब दीजिएगा आपके सामने द्रव्य सोना लिक्विड गोल्ड जो है जो है द्रव्य सोना लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है आपके सामने कौन जाना जाता है आप इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं अब तो इतना बार पूछा है कि ये सबके माइंड में होगा तो इसका आंसर होता है पेट्रोलियम द्रवित सोना जैसे ही बोले गोल्ड बोले तो याद रखिएगा पेट्रोलियम ठीक है बतीसवा प्रश्न आपके सामने पतीसवां प्रश्न क्या बोलता है कि मिट्टी के तेल ठीक है मिट्टी के तेल क्रोशीन ऑयल का संगठन होता है ठीक है मिट्टी के तेल क्रोशीन ऑयल का संगठन होता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब दिन मैं चाहता हूँ जितना जल्दी आप वो सब्सक्राइबर लाइक कीजिएगा मैं आपके लिए उतना ही सुविधा उपलब्ध करूँगा क्योंकि जिस तरह आप मुझे सब्सक्राइबर लाइक और मेरे वाचिंग करते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है मैं उसी तरह कंटेंट उपलब्ध करवाते जाता हूँ ठीक है ये तो याद रखिएगा जो एम सी क्यू चल रहा है इसी तरह हिस्ट्री जोग्राफी पोलिटिकल सभी का चलेगा जल्द आ रहा है आपके लिए और सारे सब्जेक्ट का रहा है लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ बिहार एस एस सी के लिए साइंस का पच्चीस क्वेश्चन कम्प्लीट करा दूँ तो वो सब तो पचास क्वेश्चन तो मैं खेल खेल में करवाऊँगा वो भी तरीके से बताइए उसका आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर सी सी टेन सी फिफ्टीन ठीक है ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है आगे चलेंगे तैतीसवां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे आप तैतीसवाँ प्रश्न का आंसर का जवाब आपके सामने है क्या है आगे नीचे थोड़ा कर लेते हैं ठीक है बताइए गैस होल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है बताएंगे गैस होल जो है मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है वो क्या कहलाता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे ठीक है गैस होल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है वो क्या कहलाता है तो याद रखिएगा थर्टी थ्री का ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम व अल्कोहल का पेट्रोलियम व अल्कोहल का होता है याद रखिएगा ठीक है चौतीसवा प्रश्न आपके सामने है चौंतीसवां प्रश्न क्या बोलता है किस ईंधन के अस आप आगे कर लीजिएगा स्पोटो रोधी जो होता है गुण दर्शाता है अब स्पोटो रोधी जो है दर्शाता है ऐसे तोड़ आप अगर पढ़ते हैं तो आपको आसानी से आपको याद होगा ठीक है मैं चाहता हूं अब स्लो स्लो करूंगा थोड़े नेट ही बर्बाद हो कोई फर्क नहीं पड़ता बस आपको सुविधा उपलब्ध हो मैं चाहता हूं क्योंकि आप इतना मुझ पर विश्वास करें तो मैं भी सुविधा देना कम नहीं करूंगा चलिए चौंतीसवां आंसर का जवाब देंगे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ऑक्टन की संख्या क्या होगा ऑक्टन की संख्या पैंतीसवा प्रश्न आपके सामने है पैंतीसवा प्रश्न क्या बोलता है अच्छे अपस अप फोर्ट रोधी जो होता है अपस्फोट रोधी यौगिक की ऑक्टेन संख्या जो होता है ऑक्टेन संख्या का मान होता है बताएंगे अच्छा अगर आपको चाहिए अप जो है अच्छा अपस्पोटी रोधी जो यौगिक है ऑक्टेन संख्या उसका संख्या का मान कितना होगा मतलब कैसा होना चाहिए ये पूछ रहा है अच्छा अगर चाहते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है ठीक है चार ऑप्शन है थर्टी फाइव का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है आपसे एक मूवी शेयर करना चाहता तो हूँ आप साउथ मूवी देखते होंगे आप लोग तो ब्रह्मानंदन का एक मूवी है एम फिल्म का उसमें एक वकील बनता है पट्टा भी पट्टा भी करके है ना वो मूवी देखिएगा उसमें ब्रेन का इस्तेमाल बहुत अच्छा दिखाया कि अपना जब उस कोर्ट में जब पता चलता है कि मैं मैं ही फंस गया अपने बचने के लिए क्या लगाता है दिमाग तो उसी तरह वो ये है एम है समझे वो जाल बिछाता है उसमें आपको दिमाग लगाना है कि कैसे निकलना है अब उस जाल से आप अगर निकल गए तो करेक्ट कर लिए एग्जाम उस दिमाग अगर ऑप्शन को नहीं पढ़े आप उस चीज़ को नहीं समझे और उसमें सिर्फ कूद गए तो आप उस जाल में फंस जाते हैं है ना तो यही है आप जरूर देखें दिमाग की मूवी देखना बहुत ज़रूरी है देखते रहें क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है आप लोग अभी कैप्चर कर सकते हैं और हम तो चाहेंगे आप गेम खेलें चेस लूडो ये सब नहीं खेलें चलिए आगे छत्तीसवा प्रश्न आपके सामने है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है ठीक है कार के इंजन में जो नॉकिंग से बचने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं आपके सामने चार ऑप्शन हैं जवाब देंगे तो याद रखिएगा थर्टी सिक्स का आंसर का जवाब है लेड ट्रेटाइल इथाइल याद रखिएगा लेड ट्रेटाइल इथाइल होता है याद रखेंगे ठीक है सैंतीसवा प्रश्न आपके सामने है सैंतीसवां प्रश्न क्या है किस पेट्रोलियम कंपनी ने ठीक है किस पेट्रोलियम कंपनी ने स्पीड नामक एक उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल को बाजार में उतारा बता सकते हैं किस पेट्रोलियम कंपनी ने स्पीड नामक एक उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल पेट्रोल को बाजार में उतारा है उस ना उसका नाम बताइए कौन सा जो है आपका कंपनी है पेट्रोलियम कंपनी जो कि उतारा है बता सकते हैं थर्टी सेवन का आंसर आपके सामने है याद रखिएगा भारत पेट्रोलियम उतारा है याद रखेंगे कौन उतारा है तो भारत पेट्रोलियम उतारा है याद रखेंगे चलिए थर्टी एट का आंसर का जवाब देंगे थर्टी एट आंसर क्या क्या है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स जो होता है है क्या है किस तरह का है कौन सा मोम है यह आप जवाब देंगे तो जवाब दीजिए थर्टी एट का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी पैराफिन मोम होता है क्या होता है पैराफिन मोम होता है ये ध्यान रखेंगे थर्टी नाइन का आंसर का जवाब देंगे थर्टी नाइन का आंसर का जवाब क्या है कि किसपरमेट जो होता है स्पेरमिट मोम जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है स्परमेट जो स्परमिट मोम जो है कहाँ से प्राप्त होता है आपके सामने चार ऑप्शन है बता सकते हैं कहाँ से होता है आपके सामने टाइम दिया हुआ है थर्टी नाइन का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हवेल से किससे होता है Авेल से ठीक है याद देखेंगे तो चालीसवां प्रश्न क्या है चालीसवां प्रश्न है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है बता सकते हैं व्यापारिक वैसलीन जो है किससे निकाला जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है चालीसवां प्रश्न का आंसर जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम किससे तो पेट्रोलियम से ठीक है फोर्टी वन का आंसर का जवाब देंगे फोर्टी वन का आंसर का जवाब आपके सामने है सभी एलिफैटिक ठीक है सभी एलिफैटिक योगी का जन्मदाता माना जाता है बता सकते हैं सभी एलिफैटिक योगी का जन्मदाता माना जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे सभी एलिफैटिक योगी का जन्मदाता माना जाता है आप इसका जवाब देंगे याद रखिएगा फोर्टी वन का ऑप्शन नंबर ए मिथेन ठीक है क्या है मिथेन फोर्टी टू का आंसर का जवाब देंगे ऐसे जो बुक का ये जो जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ वो बुक अगर, अगर आप चाहते हैं तो उस बुक का नाम है रिमाइंडर ठीक है क्या नाम है उस बुक का नाम है रिमाइंडर आप जरूर जाके रिमाइंडर एम सी क्यू बोलिएगा मिल जाएगा ठीक है किसी भी क्षेत्र का मिलिएगा सब्जेक्ट का चाहिए तो मिल जाएगा आप जाइए जरूर माइए मिथेन का आकृति होती है आपके सामने चार ऑप्शन है मैं चाहता हूँ कि अगर आप ले लेते हैं तो अच्छी बात है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और फिर प्रैक्टिस कर लीजिए मैं जो करवा रहा हूँ उसे बस आप सोल्व कीजिए और मिलाइए फिर देखिए नंबर आपका आ जाएगा ठीक है बुक का मैं नाम बता दिया मेरे एक दोस्त थे वो कमेंट किए थे तो मैंने जवाब दे दिया तो आप रिमाइंडर बुक है क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ये बुक का नाम तो मैंने पता किया फिर आपके लिए सिर्फ स्पेशली स्पेशली आपके लिए पता किया जो कमेंट किए थे पूछे हैं तो भरोसा जाता तो बताना बनता है तो बता दिया मैंने तो बताइए फोर्टी का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी सम चतुस् क्या है सम चतुस् ऑप्शन नंबर डी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए मेरे दोस्त जैसा सुविधा उस हिसाब से मैं उपलब्ध करवाता जाऊंगा बस मुझ पर भरोसा कीजिए अगर भरोसा जताएं तो मैं रिजल्ट दूंगा आपका ये मैं वादा करता हूँ बस जैसा मैं करवा रहा हूँ जिक्के का मैं वादा करता हूँ सेवेंटी फाइव में सेवेंटी का मैं वादा करता हूँ अब अलग बात है कि आ, वो बी पी एस सी जैसा क्वेश्चन कहीं से भी पुट कर दे तो नहीं कर सकता है ना लेकिन अगर सिलेबस के अनुसार चल रहा है तो हंड्रेड परसेंट रिजल्ट है ध्यान रखिएगा बस भरोसा कीजिए हम पे चलिए डेली दो बजे होता है याद रखिएगा दो बजे ठीक है डेली मिथेन चलिए मिथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कौन होता है ठीक है मिथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कौन होता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे आपके सामने चार ऑप्शन है ऑप्शन जरूर पढ़ें मेरे दोस्त जरूर पढ़ें क्वेश्चन ना पढ़ें क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ अब अगर आप क्वेश्चन लास्ट में क्योंकि एग्ज़ाम देने जाए तो क्वेश्चन पढ़िएगा लेकिन अगर ऑप्शन का अगर तरीका आप जानते हैं तो आप हो जाएगा ठीक है तो आपके सामने फोर्टी थ्री का आंसर का जवाब देंगे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सौ नौ डिग्री अट्ठाइस हाफ ठीक है हाफ़ बोलते हैं उसको कह सकते हैं ठीक है ट्वेंटी एट तो एक चीज़ मैं बता दूँ एक मूवी का और चर्चा करते हैं तो तब तो चलते हैं आगे चलते हैं आपके सामने एक फोर का आंसर का जवाब देंगे जवाब देने की जरूरत नहीं है मीथेन ये फटाफट चलते -फट हैं ना जो थोड़ा हार्ड होगा उस पर टाइम देंगे चलिए यह बताइए गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है बताइए गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो इसका भी आंसर आप जानते हैं मुख्य रूप से गोबर गैस में क्या पाते हैं फोर्टी फाइव का आंसर का जवाब देंगे है ना तो याद रखिएगा मिथ्य नहीं पाते हैं ठीक है मार्स गैस को भी मिथेन होता है मार्स गैस में मतलब मंगल ग्रह में है ना ये बताइए प्राकृतिक गैस छियालीसवा प्रश्न का बताइए प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का प्रमुख घटक क्या है बता सकते हैं प्रमुख घटक क्या है आपके सामने चार ऑप्शन है ये भी बहुत ईजी प्रश्न है आप जवाब देख सकते हैं तो याद रखिएगा मिथे नहीं है प्राकृतिक गैस भी मिथे नहीं है।, है ना क्लियर कोई दिक्कत नो डाउट चलिए आगे चलते हैं बायोगैस का मुख्य घटक है बता सकते हैं बायोगैस का मुख्य घटक है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे बायोगैस का मुख्य घटक क्या है बता सकते हैं तो याद रखिएगा बायोगैस की अगर बात करते हैं तो मीथेन को ही याद करते हैं है ना क्लियर इसमें कोई डॉट होनी नहीं चाहिए चलिए खाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यता है बता सकते हैं चार ऑप्शन है आपके सामने टाइम दिया हुआ है ठीक है पढ़ लीजिए ऑप्शन टाइम दे दीजिए एक बात ध्यान रखिएगा कि एक मूवी याद नहीं आ रही है उस मूवी में क्या है कि एक ऐसा है कि उसके आसपास जाल बिछाया रहता है ठीक है उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है उस मूवी में जाल बिछाया रहता है उसमें जो है उस लड़की ने उस जाल में फंस जाती है और उस जाल में फंस जाती है उस जाल को काटने का उसके पास कुछ नहीं रहता लेकिन उसके पास जो लड़की जो थी उसके पास हाथों में कानों में बालों में या कहिए आ, उसके पास सारे चीज़ थे लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी उसके काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो हड़बड़ाई हुई थी क्योंकि वो डरी हुई थी फाइट करने से पहले वो डरी हुई थी कि कोई आके बचा ले नहीं तो हमको हम मर जाएंगे लेकिन वो वेट की थोड़ा वेट की ध्यान लगाई उसके बाद वो अपना दिमाग लगाई कि हमारे बॉडी पे क्या क्या लगा हुआ है उसके हाथों में था हाथों में कंगन थी कड़ा जो होता है वो था उसका दिमाग लगाई तोड़ी और उससे फिर अपने जाल को धीरे धीरे काटी सोचिए तो ये आप पे भी है डर रहेगा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा और डर को हटा दीजिए रिजल्ट होना बहुत ही आसान होगा ओके चलिए फोर्टी एट का आंसर का जवाब देंगे मिथिन ठीक है फोर्टी एपीजी, एपीजी के एपीजी में मुख्त होता है एपीजी में मुख्त होता है आपके सामने चार ऑप्शन है मुख्य होता है आपके सामने चार ऑप्शन है बताएंगे एलपीजी में मुख्त होता है चार ऑप्शन है जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी मीथेन होता है प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है ठीक है क्या होता है मिथेन होता है प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है एल गैस में भूलिएगा नहीं मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन तीनों होता है याद रखेंगे फिफ्टी प्रश्न आपकी और बढ़ रहा है ठीक है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एल गैस सिलेंडर में भरकर मतलब क्या भर कर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव रिसाव की स्थिति में शीघ्रता पता चल सके बताएंगे मतलब जैसे आपको खाना बनाते हैं और गैस कभी कभी लीक करता है तो हमको गंध से पता चलता है ना गैस लीक कर रहा है अगर नहीं दिया रहेगा तो समझिए हम लोग को ऊपर जाने से टिकट कट जाएगा तो पचासवा प्रश्न आंसर जवाब देंगे एक बात और बोल दूँ मैं मौत से डरिएगा ना मेरे दोस्त तो मौत डराएगा और मौत से लड़िएगा ना मेरे दोस्त तो मौत कभी नहीं डरा सकता वही एग्ज़ाम है मेरे दोस्त एग्ज़ाम से अगर डरिएगा ना तो एग्ज़ाम डराएगा अगर एग्ज़ाम से भिड़ जाइएगा तो नहीं कुछ होगा एग्ज़ाम रिजल्ट देगा बस लोगों की बातों पे ध्यान ना दें मैं ये अच्छा था ओके चलिए इसका आंसर का जवाब दें क्योंकि आप घर के लोगों का बाहरी लोगों का अगर ध्यान दीजिएगा कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है आप तुम पढ़ने में तेज़ नहीं हो तो आप समझिए गिर जाइएगा अपने आप नज़र में लगेगा कि मैं पढ़ने में तेज़ हूँ और हैं आप आप लोग सब तेज़ हैं क्योंकि सबके पास भगवान ने एक ना एक क्वालिटी सबको दिया है तो क्यों डरना जिसका जो फेवरेट भगवान है या अल्लाह हो या भगवान हो या ईसाई धर्म के लोग हों कोई भी हो अगर आप पे भरोसा है तो आप में कुछ खास दिए हैं तभी जन्मे हैं तो डर किस बात का लोगों की बातों को छोड़िए और तैयारी पर लग जाइए आप बस आपका मन क्या कहता है वो सोच लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्टी क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी मैर कैप्टन आज मैं थोड़ा ज़्यादा सजेशन दे रहा हूँ लेकिन मैं मोटिवेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम तैयारी आप लोग खूब करते हैं लेकिन एग्जाम में फाइट करने से पहले एग्जाम देते हैं उसके बाद डर जाते हैं और जैसे एग्जाम गए वहां पे डर गए तो नहीं डरिए ना फाइट करिए उस जाल को काटिए जो मैंने स्टोरी सुनाया और अच्छा लगे तो प्लीज मोटिवेशनल डायलॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक से रेफी, रेफरी, जर जो है, रेफरी रेफरी जर रेंट जो है, क्या है रेफरी जर रेंट फिरॉन जो है क्या है ये बताइए आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे फिफ्टी वन का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी है क्या हाइड्रोक्लोरिक क्लोरो, -क्लोरो मीथेन है क्या है हाइड्रोक्लोरो मीथेन है ठीक है रेफ्रीज रेंट फिरॉन जो है क्या है डाइक्लोरो डाइक्लोरोन डाइ है ठीक है फिफ्टी टू का आंसर का जवाब देंगे फिफ्टी टू का आंसर का जवाब है कृत्रिम कपूर ठीक है क्या है कृत्रिम कपूर जो है क्या है बताएंगे ट्रेटा क्लोरोमिथियन है सॉरी आपके सामने ऑप्शन मैं पढ़ूंगा तो फिर तो आप आंसर दे ही नहीं पाइएगा आप खुद पढ़िए ये मैं नया तरीका अपनाया देखिए रिजल्ट आएगा ऐसे मैंने अपने स्टूडेंट को ऐसे ही पढ़ा था रिजल्ट वो दिया है इसलिए मैं ये उसका रिजल्ट से मैंने यूट्यूब खोला है वो अगर स्टूडेंट है अगर रिजल्ट नहीं देता ना तो मैं नहीं खुल पाता क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट पर भरोसा किया उसी को पढ़ाया आगे अपने आप पर भरोसा लाया कि क्या मैं रिजल्ट दे सकता हूँ किसी को पढ़ा के तो मैंने दिया है इसलिए मैंने आपको वो आपको साथ यूट्यूब पे आया हूँ तो आप भरोसा जताएँ मैं भरोसा आपको कायम करूँगा फिफ्टी टू का आंसर करवा देंगे तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है हेक्साई क्लोरिक ठीक है ऑप्शन नंबर सी आगे चलेंगे फिफ्टी थ्री का आंसर का जवाब देंगे फिफ्टी थ्री का आंसर का जवाब देंगे इथिलीन अनु की आकृति होती है आपके सामने चार ऑप्शन है जल्दी जल्दी चले फटाफट खत्म करेंगे इथिलीन अनु का आकृतिक होती है बताएंगे फिफ्टी थ्री का आंसर का जवाब देंगे फिफ्टी थ्री का आंसर का जवाब देंगे सम तलिए स्पीड करके कर लेंगे मेरे दोस्त सारे वीडियो मैं स्पीड करके डालता हूँ लेकिन ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि स्लो करूँ आपको अच्छा लगे और आप स्पीड कर लें ठीक है इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है बताइएगा इथिलीन के इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह होता है क्या होता है आपके सामने चार ऑप्शन है मैं जानता हूँ आप लोग कमेंट करिएगा कि बड़े बड़े डायलॉग मार रही है वो कर सकते हैं अच्छा लगता है लेकिन मेरी बातों को सोचिएगा जरूर फिफ्टी का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी पॉलीथिन ठीक है आगे चलेंगे अगर नहीं तो मैं प्रूफ खुद हूँ आप अगर सपोर्ट नहीं करते तो मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आता बोलने का तो सोचिए आप अगर रिजल्ट पढ़ाई करिएगा तो कॉन्फिडेंस रिजल्ट का नहीं आएगा ऐसा हो सकता है बताइए है ना तो इथेलीन सल्फ़र मोनो डाईऑक्साइड के साथ प्राकृतिक जो है कर कौन सी विशैली गैस बनता है बताइएगा प्राकृतिक जो गैस है प्राकृतिक जो गैस है कौन सी विशैली गैस बनाता है इथिलीन सल्फर मोनो डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कौन सी जो है बताइए कौन सा जो है मिला देंगे तो विशैली गैस उत्पन्न होगा बताइए फिफ्टी एट का आंसर का जवाब देंगे क्या रखिएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड गैस ठीक है चलिए फिफ्टी सिक्स का आंसर जब दूंगे इथिलीन है एक क्या है इथिलीन क्या है बता सकते हैं आप जानते हैं इथिलीन की बात हम कर चुके हैं आप बताएंगे इथिलीन क्या है फटाफट फट चलेंगे खत्म करेंगे आपके सामने चार ऑप्शन है तो याद रखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है ठीक तो है इथिलीन है इथलिन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्थीन और जो ये सब था ना वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता था ये सब ध्यान रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है है ना समझ रहा है मेरी बात फिफ्टी सेवन का आंसर का जवाब देंगे कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड जो होता है कैल्शियम कार्बाइड पर कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न होता है बताएंगे अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बाइड जो है उस पर अगर जल की प्रक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है फिफ्टी सेवन का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी T लीन याद रखेंगे सी एच S T लीन ठीक है चलिए नेक्स्ट चलिए फिफ्टी एट फटाफट चलेंगे अब कोई रुकावट नहीं कोई भाषा नहीं सिर्फ आंसर धातु में जोड़ लगने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है बताइए धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है बताइएगा आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे फिफ्टी एट का आंसर का जवाब देंगे फिफ्टी एट का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन ठीक है चलिएगा फिफ्टी नाइन का आंसर का जवाब देंगे कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकने के लिए पकाने के लिए के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है कच्चे कच्चे फलों को अगर हम लोग पकाते हैं उसके लिए कौन सी मतलब गैस प्रयोग करते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे फटाफट जवाब देंगे अब काउंट करूँगा वन टू थ्री फोर फाइव आपके सामने समाप्त हुआ आंसर का जवाब देंगे तो आंसर का जवाब है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी एसिथिलीन याद रखिएगा अगर कच्चे फल को अगर पकाना है तो एसिथिलीन का प्रयोग करेंगे कभी ये नहीं करेंगे ठीक है एसिथिलीन याद रखिएगा एसिटिलीन ए याद रखिएगा ई नहीं चलिए घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सी तक उपयोग में लाया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गैस लाया जाता है ये पूछ रहा है कि घरेलू फ्रिज में अगर समानता कौन सी जो हम लोग प्रक्रिया उपयोग में लाने के लिए किस तरह का गैस प्रयोग करते हैं यह पूछ रहा है ठीक है तो आप बताइए सिक्सटी का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी फ्री ऑन कौन है था फ्रीज फ्री ऑन ऐसे याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं नो डाउट आगे बढ़ते हैं सिक्सटी का आंसर का जवाब देंगे सिक्सटी का आंसर का जवाब देंगे तो सिक्सटी का आंसर का जवाब में है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के हास् के लिए उत्तरदायी है बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के हास् के लिए उत्तरदायी है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे ठीक है आपके सामने क्या है चार ऑप्शन है जवाब देंगे आप ऑप्शन जरूर पढ़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑप्शन पढ़ने से क्या होता है कि अगर आप आग, अगर एग्जाम में क्वेश्चन को माता हुई है तो ऑप्शन चार में से एक आप जो चार ऑप्शन में से आंसर लगाए हैं वो आंसर जरूर आएगा ठीक मैं वादा करता हूँ जरूर आएगा ये होता है ये मैंने ट्रिक अपने दोस्त मैंने अपने स्टूडेंट अपने दोस्त को दिया था और रिजल्ट लाया था चलिए सिक्सटी वन का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन याद रखेंगे क्लोरो फ्लोरो कार्बन ठीक है अपना मैंने सब बहुत दिनों के बाद अपना हिस्ट्री बताया कि मैं क्या किस लिए यूट्यूपाया सुन लिए या नहीं तो सुन लीजिएगा 62 का आंसर का जवाब देंगे ट्राईक्लोरोमिथेन जो होता है ट्राईक्लोरोमिथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है बताएंगे ट्राईक्लोरोमिथेन जो है किसका रासायनिक नाम है बताएंगे ट्राईक्लोरोमिथेन किसका रासायनिक नाम है मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे तो 62 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफोम ठीक है क्लोरोफोर याद है क्या सिक्सटी थ्री का आंसर का जवाब देंगे सिक्सटी थ्री का आंसर का जवाब दीजिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश ठीक है से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है यह विषैला पदार्थ है क्या है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे क्या है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा फोसजीन क्या है फोस जीन याद रखेंगे सिक्सटी फोर का आंसर का जवाब देंगे सिक्सटी फोर का आंसर का जवाब दीजिए सिक्सटी फोर का आंसर का जवाब है निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों को कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे तो सिक्सटी फोर का आंसर का जवाब दीजिए कार्बन डाई कार्बन ट्रेटाई क्लोराइड याद रखेगा कार्बन ट्रेटाइड क्लोराइड याद रखेंगे चलिए आगे चलते हैं सिक्सटी फाइव का आंसर का जवाब दीजिए और अगर किसी को मेरी आवाज़ से अच्छा नहीं लगा तो आप म्यूट करके लेकिन नेम जरूर करें मैं ये करना चाहता हूँ निवेखित में से निम्नलिखित में स्थानीय निश्चेचक निश्चेचक जो होता है निश्चेचक है क्या है मतलब लोकल जो है बताइए क्या है, सामने है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे सिक्सटी फाइव का आंसर का जवाब दीजिए आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए इथ क्या है इथर चलिए सिक्सटी सिक्स का आंसर का जवाब देंगे कास्ट स्प्रीति ठीक है कास्ट स्प्रीति के नाम से जाना जाता है बताएंगे बूड स्प्रीति के नाम से मतलब कास्ट मतलब लक काट कास्ट कहते काट जो है नाम से जाना जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे सिक्सटी सिक्स का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए मिथिल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल कहते हैं इसे ठीक है बूड स्प्रीति के नाम से जाना जाता है मिथाइल एल्कोहल को ठीक है सिक्सटी सेवन बताइएगा एंटी फ्रिज एक मिश्रण है क्या है एंटी फ्रिज एक मिश्रण है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे आपके सामने ये ऑप्शन पढ़ने का ऑप्शन दे रहा हूँ पढ़िए आप ऐसे जवाब दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चलिए इसका टाइम ओवर हो गया अब बताइए इसका आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी मिथिल एल्कोहल व का एंटी फ्रिज का एक मिश्रण है मिथाइल एल्कोहल व का ठीक है चलिए 68 का का आंसर जवाब देंगे 68 का आंसर का जवाब है जल एक है 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 ठीक क्या जल एक है? आपके सामने चार ऑप्शन जवाब बिलयोगी एट का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए इथाइल एल्कोहल का किसका इथाइल एल्कोहल का याद रखेंगे तो 69 का आंसर का जवाब देंगे शराब ठीक है वाइन जो होता है शराब में उपस्थित रहता है क्या रहता है आप बताइए कौन सा एल्कोहल रहता है बताइए सला शराब में वाइन में उपस्थित रहता है क्या रहता है सिक्सटी नाइन का आंसर का जवाब देंगे बार बार मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन जरूर पढ़ें जरूर पढ़ें सिक्सटी नाइन का आंसर का जवाब देंगे ए इथाइल एल्कोहल रहता है मिश्रण ने याद याद तो रखिएगा शराब में उपस्थित होता है इथाइल एल्कोहल अब तो बुरी नहीं शराब तो जानते हैं कि अच्छा चीज़ है ना मतलब बुरा चीज़ बोलेंगे तो याद तो होगा नहीं अच्छा चीज़ बोलिए चलिए जो कर रहा हूँ ये सब पीना नहीं चाहिए क्योंकि दवा दवा जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं कि नशा हो जाना चाहिए अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है एकदम सही बात है अधिक मात्रा में अगर इथाइल एल्कोहल को सेवन करिएगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही अगर दवा दवा के रूप में करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं और दवा को ज़्यादा दवा लीजिएगा तो हानि तो करेगा शरीर को तो चलिए इसमें पूछ रहा है कि किसे प्रभावित करता है प्रभाव मतलब किस पर पड़ता है ये पूछ रहा है तो सत्तर का आंसर का जवाब दीजिए सेवन का आंसर ऑप्शन नंबर बी लीवर को डैमेज करता है ठीक है सेवेंटी वन का आंसर का जवाब देंगे सेवेंटी वन का आंसर का है उन शराब त्रासदियों त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है हानिकारक पदार्थ है मतलब कहने का मतलब कौन सा ऐसा है शराब में कि अंततः वो एक तरह से क्या करता है हानि हो है, बहुत हानिकारक पदार्थ है बताइए डायरेक्ट आप जर, बस क्वेश्चन को घुमाया और कुछ नहीं किया बस इतना हिंदी ज़्यादा उच्चारण कर दिया मिथाइल एल्कोहल याद रखिए ज़्यादा याद रखिए मिथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल तो मिला रहता है ये तो आपको पता है इथाइल एल्कोहल जो था मिला हुआ था लेकिन मिथाइल एल्कोहल जो होता है ना मिल जाता है तो समझिए कि सबसे ज़्यादा हानिकारक है बहुत ही समझिए कि जिंदगी बर्बाद है सेवेंटी टू का आंसर का जवाब देंगे पावर एल्कोहल है पावर एल्कोहल क्या है बताएंगे आपके सामने चार ऑप्शन है बताइए पावर एल्कोहल क्या है आपके सामने चार ऑप्शन है ऑप्शन पढ़ें वन टू थ्री फोर फाइव बड़ा ऑप्शन आएगा मैं टाइम दूंगा सेवेंटी टू का आंसर का जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथल एल्कोहल याद रखिएगा ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल ठीक है चलिए नेक्स्ट चलिए आपके सामने चार ऑप्शन ठीक है टीचर आयोडीन है टीचिंग टिंचर टिंचर इसको बोलता है टिंचर आयोडीन है क्या है टिंचर आयोडीन आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे टिंचर आयोडीन क्या है मेरे दोस्त आपके सामने चार ऑप्शन तो सेवेंटी थ्री का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी ठीक है आयोडीन का एल की को हेलिक विलियन क्या होता है को एल्कोहेलिक मिलियन विलियन होता है आयोडीन का ठीक है तीन चर ठीक है चलिए सेवेंटी फोर का आंसर का जवाब दीजिए बताइए जल्दी सेवेंटी फोर का आंसर परिशुद्ध एल्कोहल जो होता है परिशुद्ध एल्कोहल जो होता है क्या कितना होता है बताइए परिशुद्ध अल्कोहल एफ अल्कोहल बताइए जल्दी चार ऑप्शन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑप्शन नंबर टी याद रखिएगा हंड्रेड परसेंट इथाइल एल्कोहल होता है याद रखेंगे हंड्रेड परसेंट इथाइल अल्कोहल होता है सेवनटी फाइव का आंसर का जवाब देंगे किनवन वन जैस किन वन जो है कैसी अभिक्रिया है आपके सामने चार ऑप्शन है जल्दी जल्दी जवाब देंगे किनवन गैस अभिक्रिया है आपका जवाब देना है याद रखिएगा सेवनटी फाइव का आंसर का जवाब देंगे सेवेंटी फाइव का आंसर का जवाब देंगे सेवेंटी फाइव का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी उसमें उष्मेपी याद रखेंगे एक भी क्वेश्चन कार्बनिक ऑगिस से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा ये मैं बोलता हूँ सेवनटी सिक्स का आंसर का जवाब देंगे किनवन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है बताइए किनवन किनवन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है ये आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे किनवन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है आपके सामने चार ऑप्शन है सेवनटी सेवेंटी सिक्स का आंसर का जवाब देंगे सेवेंटी सिक्स का ऑप्शन नंबर ए है कार्बन हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है सेवनटी सेवन का आंसर का जवाब देंगे सेवनटी सेवन का जो है गैस होल या गैस, गैस। गैसोलीन निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है आपके सामने चार ऑप्शन है बताइए गैस होल या गैस गैसोलीन जो होता है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है किसके मिश्रण होता है ये बताना है तो आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे आप फटाफट याद रखिएगा इथेल एल्कोहल का किसका इथाइल एल्कोहल का होता है याद रखेंगे ठीक है आगे चलेंगे सेवेंटी एट का आंसर का जवाब दीजिए सेवेंटी एट का आंसर का जवाब है कि मिथिनॉल किस नाम से जाना जाता है मिथिनॉल का एक और नाम है जो कि चार ऑप्शन आपके सामने है वो पढ़िए ऑप्शन जरूर पढ़िए मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है आप जवाब देंगे तो सेवेंटी एट का आंसर का जवाब चलिए समाप्त होने होने वाला है ऑप्शन नंबर सी बुड एल्कोहल बताए थे ना मिथेनॉल को बुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है से सेवेंटी नाइन का आंसर का जवाब देंगे सेवेंटी नाइन का आंसर का जवाब है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है बताएंगे किस क्रिया के अनुसार होता है किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है सेवनटी नाइन का आंसर का जवाब देंगे याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किनवन के द्वारा किसके द्वारा किनवन के द्वारा होता है ठीक है जैसे कि से शराब निकालते हैं किनवन के द्वारा ही निकलते हैं ठीक है खट्टापन के कारण हो जाता है। मूत्र रोग मूत्र रोग में प्रयुक्त इरोट्रोपिन बनाई जाती है बताइए इरोट्रोपिन बनाई जाती है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे इरोट्रोपिन बनाई जाती है आपके सामने चार ऑप्शन है अस्सी का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी फॉर फॉर्मिंग फॉर्मी फॉर्मिक कैसे होता है फॉर्मिल डाई हाई फॉर्मिक सॉरी फॉर जो है ना फॉर्म होता है फॉर्म लीड हाइड हू से ठीक है क्या होता है फॉर्म लीड हाइड अगर उच्चारण में दिक्कत हो या पढ़ने में जैसे मुझे हो रहा तो मैंने तोड़ दिया शब्द को तोड़ दिया अब मैं कभी नहीं बोलूँगा इसे अगर मेरे सामने अगर ऑप्शन आता है तो तो गलती से अच्छा चीज हो सकता है तो गलती थोड़ी कर सकते हैं इरो ट्रॉपिन क्या है बताइए आज तक दुनिया में आप सुने है? कोई इंसान सही है सब एक दूसरे की नज़र में बुरा है तो मैं क्यों ना बुरा बनूं जब अच्छा कुछ करना है तो थोड़ा बुरा बन सकता लेकिन अच्छा बनने के लिए बुरा बनेंगे नहीं कि बुरा बनने के लिए और बुरा बनेंगे ओके चलिए आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे जवाब दीजिए मेरे दोस्त जवाब दीजिए फटाफट फ़ड़। तो याद रखिएगा एटी वन का आंसर का जवाब आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी हैक्सा मिथिलीन ट्रेट ट्रेटा एमिन कैसे तोड़ेंगे हेक्सा को अलग करेंगे मिथिलिन को अलग करेंगे ट्रेटा एमिन को अलग कर देंगे ओके ऑप्शन नंबर सी इज राइट आगे चले याद रखिएगा एटी का आंसर का जवाब देंगे फटाफट एटी टू का लाल चिठी में पाया जाता है लाल चिठी में क्या पाया जाता है बहुत ही अच्छा अम्ल है कौन सा अम्ल पाया जाता है लाल चिठी में आपके सामने चार ऑप्शन है ये बहुत बार पढ़े हैं आप बताइए तो याद रखिएगा फॉर्मिक ये तो ऑप्शन आप ऐसे भी मार देंगे फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है ठीक है बताइए एटी का आंसर का जवाब देंगे एटी थ्री का आंसर का जवाब देंगे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके 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 में उपस्थित होता है बहुत ही जबरदस्त है बताइए सिरके में उपस्थित होता।, होता है आपके सामने चार ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में उपस्थित होता है आपके सामने चार ऑप्शन है एटी थ्री का आंसर का जवाब देंगे तो एटी थ्री का आंसर का जवाब देखिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है एसेटिक अम्ल होता है ठीक है एसेटिक अम्ल होता है चलिए आगे चलेंगे 84 फोर का आंसर का जवाब देंगे नींबू खट्टा किस कारण होता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे नींबू खट्टा किस कारण होता है आपके सामने चार ऑप्शन है 84 का 84 का ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल के कारण होता है याद रखेंगे चलिए 85 का आंसर का जवाब देंगे 85 का आंसर का जवाब देंगे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है बहुत ही अम्ल से जो क्वेश्चन है वो सब है टार्मेनिक यौगिक में याद रखिएगा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे तो याद रखिएगा एटी फाइव का आंसर का जवाब देंगे तो एटी फाइव का आंसर का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी टेट्रिक टे, टे अम्ल पाया जाता है टेट्रिक टे अम्ल क्या सही बोला गलत बोला जवाब दीजिए तो इमली में भी टेट्रिक टे अमल पाया जाता है चलिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है अरे नहीं 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 गलत बोलना चाहिए ना हमको नहीं तो इसका तो आंसर सामने आ गया तो मैंने आंसर बोल दिया तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है तो ट्रैक्ट्रिक अम्ल इसमें क्या बोलें ट्रैट्रिक अम्ल ही पाया जाता है तो अंगूर में इमली में कौन सा पाया जाता है तो ट्रैक्ट्रिक अम्ल पाया जाता है ऑप्शन नंबर छः ठीक है चलिए एटी सेवन में आंसर का जवाब दीजिए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है बताइए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है बताएंगे बताइए कौन सा आंसर होगा तो यादेगा एटी सेवन का ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ठीक है और कौन सा सब्जी है जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है बताइएगा तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं औग्जलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं ओके चलिए चलिए एटी एट का आंसर का जवाब दीजिए फटाफट एटी एट का आंसर का जवाब देंगे बताइए कि स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा अम्ल को प्रयोग करते हैं बताइए स्याही को हटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग ये बताइए आप मेरे दोस्त तो आप बताइएगा एटी एट का आंसर का जवाब देंगे तो एटी एट का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा औग्जेलिक अम्ल का प्रयोग ही करते हैं ठीक है एट्टी नाइन का आंसर का जवाब देंगे मानव मुर्दा में बनने वाली पत्थरी जो है मानव मुर्दा में जो हमारे गुर्दा में मुर्दा नहीं गुर्दा में सॉरी गुर्दा में थोड़े थोड़े कॉमेडी कु, कर देता हूँ तो थोड़े थोड़े गलत भी पढ़ के कॉमेडी कु, कु, कर देता हूँ पढ़ के आपको हंसी बता दिया चलिए मानव गुर्दा में बनने वाले पत्थरी पराया बन बनी होती है किस तरह की बनी होती है बताइए गुर्दा में गुर्दा मतलब किडनी में बताइए कौन सा होता है बता सकते हैं उसका नाम बताइए जो किडनी में पथरी जो बनता है उसका नाम क्या है है ना उसमें भी अम्ल होता है मेरा दोस्त याद है क्या एटी नाइन का आंसर कर जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सीऑक्ट उग्जी, ठीक है ऑक्सीजी जो होता है ना ऑक्सीट हो गया ठीक है अमल ही होता है एक तरह से ठीक है नाइन्टी का आंसर का जवाब देंगे नाइन्टी का आंसर का जवाब देंगे निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है बताएंगे निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे आपके पास अब टाइम नहीं है फटाफट जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी यूरिया किसमें यूरिया में, में कार्बामाइड होता है याद रखेंगे नाइन्टी वन का आंसर का जवाब देंगे यूरिया उर्वरक में नाइन्टी वन का आंसर का जवाब देंगे यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है बताएंगे चार ऑप्शन आपके सामने है बताएंगे यूरिया कार्बन में जो है नाइट्रोजन किस रूप में प्रयुक्त होता है आपके सामने चार ऑप्शन है नाइन्टी वन का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा एलमाइट क्या होता है एलमाइट चार ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी एलमाइट नाइन्टी का आंसर का जवाब देंगे यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता का मात्रा बताइए यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता मात्रा होती है क्या होती है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता मात्रा होती है आपके सामने चार ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी छियालीस प्रतिशत होती है सॉरी मेरे दोस्त बाहरी अब काम शुरू हो गए तो आवाज़ तो आने लगा लेकिन मुझे पूरा करना है तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा बाहरी आवाजों को लेकिन चलिए नाइन्टी थ्री का आंसर याद रखिएगा एरोमैटिक यौगिक का, का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताइएगा एरोमैटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है जल्दी जल्दी खत्म करते हैं एरोमैटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहते हैं तो याद रखिएगा नाइन्टी थ्री का ऑप्शन नंबर बी वेनजीन वेनजिन को याद रखिएगा और आप स्लो करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिर बाहरी अब आ जाएंगे तो आप और नहीं पढ़ पाइएगा गैम गै गैमेक्सीन एक है क्या है गैमेक्सिन क्या है आपके सामने चार ऑप्शन है बताएंगे गैमेक्सिन क्या है तो याद रखिएगा 94 फोर का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक कीटाणुनाशक है क्या है गैमेक्सिन जो है कीटाणुनाशक है याद रखेंगे नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव का आंसर का जवाब देंगे नाइन्टी फाइव का आंसर का जवाब देंगे ट्राइन नाई ट्राई नाइ ट्राई बो वेन्जिन जो है टी एन बी इसको कहते हैं है क्या है ये बताइए क्या है ये आपके सामने चार ऑप्शन है ट्राई तो जो है टी एन बी जो है क्या है आपके सामने नाइनटी फाइव का, का जवाब है आप बताएंगे फटाफट रफ़ट जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विस्फोटक है क्या है विस्फोटक है याद रखेंगे विस्फोटक है याद रखिएगा गैमसिन जो है कीटाणुनाशक है है ना याद रखिएगा और ये पूछेगा नाइनटी का आंसर का जवाब देगा तो विस्फोटक बोलिएगा ठीक है नाइन्टी का आंसर का जवाब देंगे ट्राई नाइट्रो ठीक है ट्राई नाइट्रो टाइलुइन जो है टी एन टी एन टी जो है क्या है ये बताइए

मरवेन का तेल के नाम से जाना जाता है कौन जाना जाता है मीरवेन कहते हैं के नाम से जाना जाता है कौन जाना जाता है का जवाब देंगे चार नाइनटी से जवाब्रोवें क्या कहते हैं नाइट्रोन वेन्जिन ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे चलिए नाइन्टी सिक्स का आंसर का जवाब देंगे का आंसर का जवाब देंगे कि रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे फटाफट वन टू थ्री फोर फाइव चलिए समापन हो गया ऑप्शन नंबर सी एलिनी ए ली नील ठीक है ऐसे बोलिएगा हो जाएगा चलिए आपके सामने 99 का नाइनटी ठीक है 99 का आपका क्वेश्चन है बताइए बताइए डी डी टी डी डी टी का पूरा नाम क्या है आपके सामने चार ऑप्शन है डी डी टी का पूरा नाम क्या है आपके सामने चार ऑप्शन है बताइए 99 का आंसर का जवाब दीजिए आप हंड्रेड वाले हैं तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरिक डाइफिनाइल ट्राइकोलिक कोलरी इथेन याद रखिएगा इथेन लास्ट में लग जाएगा याद रखिएगा ड्राइकोलिक कोलरी ड्राई कोलोरोल और ट्राइक्लोरोन ठीक है फुल फॉर्म याद हो जाएगा तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिएगा सौवा प्रश्न है आपके लिए और हैंड सेंचुरी पार करने वाला है उससे उन्नीस एक सौ उन्नीस क्वेश्चन और है उन्नीस क्वेश्चन और है असरू गैस टीजर गैस कहते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है अश्रू गैस का रासायनिक नाम बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बता सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे तो याद रखिएगा सोमा प्रश्न का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी ठीक है गामा क्लोरिक एसओ टी एसो एसिटोफिनो फिन ठीक है क्लोरो एसिडोफिन याद रखिएगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर सौ का डी आंसर होगा एक सौ एक एक का आंसर का जवाब दीजिए दवा बनाने में काम आता है क्या आता है दवा बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग बता सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए व्यन्जॉइक अम्ल होता है याद रखेंगे व्यन्जॉइक अम्ल का प्रयोग करते हैं एक सौ दो का आंसर का जवाब देंगे फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताएंगे फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बताएंगे तो याद रखिएगा व्यन्जोलिक अम्ल कहते हैं फलों को सुरक्षित रखने के लिए व्यन्जोयिक अम्ल का प्रयोग करते हैं याद रखेंगे एक सौ दो का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी ठीक है आगे चलेंगे 103 सौ तीन का आंसर का जवाब देंगे 103 सौ तीन का आंसर का जवाब है कि खाद्य पदार्थों पर परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे प्रयुक्त होता है आपके सामने सॉरी आपके सामने चार ऑप्शन है ऑप्शन का जवाब देंगे एक सौ तीन का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी व्यंजयिक अम्ल याद रखिएगा व्यंजयिक अम्ल ठीक है चलिए आगे चलते हैं खत्म करते हैं ठीक है एक सौ चार से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आश्रू गैस में प्रयुक्त होता है बताइए अश्रु गैस में क्या प्रयुक्त होता है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे फटाफट जवाब देंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये मैं वादा करता हूँ रासायनिक कार्बनिक रासायनिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये वादा है क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं करवा लिया एक सौ चार का आंसर जवा देंगे ऑप्शन नंबर ए क्लोरो एसीटी एसीटोफिन अभी पढ़ें गामा करके था ऐसा था चलिए एक सौ पाँच का एक सौ पाँच का जवाब दीजिए शौचालय में दुर्गंध दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसका कौन सा फिनॉल का प्रयोग करते हैं हम लोग दुर्गंध हटाने के लिए शौचालय में कौन सा उपयोग करते हैं बहुत ही कॉमन प्रश्न है घर में आप लाते हैं हमेशा उसका नाम पता है आप लोगों को बताइए इसका आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए ऑर्थो क्लोरो क्लोरोफिनॉल आते हैं हम लोग फिनॉल बोलते हैं फि फिनॉल ले आओ उस लेट्रिंग समाज लेकिन उसमें क्या मिलाया जाता है तो ऑर्थो क्लोरो क्लोरोफिन ठीक है चलिए एक सौ छः का आंसर का जवाब देंगे एक सौ छः का आंसर का जवाब है बालों को रंगने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग करते हैं बाल को हम लोग रंगते हैं ना जी अब तो कॉमन हो गया बच्चा बच्चा बाल पकने लगा बाहरी खाना खाओगे तो बल बाल पकता ही है तो बताइए बच्चा बच्चा का बाल पकने लगाए तो वो भी रंगते हैं तो बताइए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं एक सौ छः का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी पाराफिनाइल डाई एस क्या है डाई एस सी ठीक है डाई एमीन याद रखिएगा पारा डाई एमीन ठीक है चलिए फटाफट चलते हैं एक का प्रश्न बताइए एक का प्रश्न बताइएगा क्लोरल क्लोरो बेंजीन के साथ संगन संघनन कर देता है बताइए कौन सा है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे 107 सौ का आंसर का जवाब देंगे तो डीडीटी आप पढ़े आप पढ़ें डीडीटी का फुल फॉर्म ही था क्लोरल क्लोरो बेंजीन बेंजीन के जगह पे क्या था ट्रेडी क्लोरो ठीक है ट्रेडी क्लोरो था फुल फॉर्म था ना तो उसी का संगनन हो जाता है डी के साथ ठीक है सौ आठ का प्रश्न बताइए टिफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है बताएंगे टिफ्लॉन जो है किसका बहुलक है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे फटाफट जवाब देंगे जल्दी खत्म करना है और एक सौ उन्नीस क्वेश्चन है समाप्त करेंगे टिफलॉन जो है निम्नलिखित में से किसका बहुलक है आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे तो जवाब देंगे एक सौ आठ का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी ट्रे ट्रेटा फ्लोरुई एथिन ठीक है ट्रेटा फ्लोरुई एथिन याद रखिएगा याद रखेंगे एक सौ नौ का आंसर का जवाब देंगे ओरल ओरल लोन बहुलक है ओरल लोन जो है बहुलक है कौन सा बहुलक है बताइए इसमें आंसर का जवाब दीजिए एक सौ नौ का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे एग्रीलो नाइट्राइल का याद रखिएगा एग्रोलो नाइट्रोइल का याद रखेंगे एक सौ दस का क्वेश्चन का जवाब देंगे एक सौ दसवां प्रश्न आपके सामने है फिर उसके बाद नौ प्रश्न बचेंगे तो बताइए क्लोरोइथिलीन में बहुलीकरण से प्राप्त होता है क्या पहल प्राप्त होता है ये बताइए क्लोरोइथलीन से बहुलीकरण के कारण प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है ये बताइए एक सौ दस का आंसर का जवाब देंगे याद रखेंगे एक सौ दस का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी पी वी सी क्या होता है पी वी सी का फुल फॉर्म आप कमेंट करेंगे नहीं तो मैं कमेंट में कमेंट कर दूंगा चलिए आगे चलते हैं एक सौ दस का आंसर का जवाब हो गया आगे चलते हैं बताइए प्राकृतिक रबर एक बहुलक है बता सकते हैं प्राकृतिक रबर जो है एक बहुलक है बता सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है जवाब देंगे प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आपके सामने चार ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा आइसो प्रीमिन आइसो प्रीम का याद रखेंगे चलिए बारहवा प्र प्रश्न बारहवा एक सौ बारहवा प्रश्न है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है बता सकते हैं कौन सा बुलेट प्रूफ जो हम लोग पदार्थ बनाते हैं उसमें प्रयुक्त करते हैं कौन सा बहुलक प्रयुक्त करते हैं सो बारहवा का आंसर करवा देंगे ऑप्शन नंबर इसका भी डी होगा पॉली कार्बोनेट्स क्या होता है पॉली कार्बोनेट्स से होता है याद रखेंगे ठीक है आगे चलेंगे तेरहवा प्रश्न एक सौ तेरहवा प्रश्न आपके सामने है प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला जो पी से पी से तात्पर्य क्या देखिए आंसर भी इसका हो गया अगर मैं बता देता तो दिक्कत हो जाती है आप आंसर दे देते हैं आप जान लीजिए तो बताइए पी वी एस सी क्या है बताएंगे आपके सामने चार चार ऑप्शन हैं तो एक सौ तो तेरह का आंसर का जवाब देंगे तो तेरह का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर बी पॉली पॉली मतलब पी मने पॉली विनाइल मैंने वी मने, मने विनाइल और सी मने क्लोराइड ठीक है ये फुल फॉर्म होंगे डायरेक्ट फुल फॉर्म समझिए ना ठीक है एक सौ तो चौदह का आंसर का जवाब देंगे बरसाती रेनकोट जो होता है किससे बनाया जाता है बताइए रेनकोट हम लोग पहनते हैं लेकिन किससे बनाया जाता है ये तो पता नहीं है अगर पता है तो कमेंट करेंगे तो एक सौ चौदह का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी पॉली कार्बोनेट से सोचिए बुलेट प्रूफ तो बनाते हैं उसी से और बरसाती भी उसी से देखिए गोली पार हो जाएगा चलिए एक सौ पंद्रह आंसर का जवाब देंगे टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो व टेलीविज़न टी वी के कैबिनेट कैबिनेट जो होता है किस प्लास्टिक से बना होता है बताइए उसका जो कवर एक तरह से कहिए ना किस न, मतलब प्लास्टिक से बना होता है आपके सामने चार ऑप्शन है एक सौ पंद्रह मां का आंसर कर जवाब देंगे जो हम लोग टेलीफोन या जो भी यूज करते हैं या टेलीविजन करते हैं उसका कैबिनेट जो कवर कहिए ना जी बताइए किससे बना होता है फिफ्टीन का आंसर करवा देंगे वन फिफ्टीन वन हंड्रेड फिफ्टीन का आंसर करवा देंगे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी वैक लाइट से वैक लाइट से ठीक है चलिए सुलमा प्रश्न का जवाब देंगे सुलामा प्रश्न का जवाब देंगे नन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है बता सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है नन स्टिकी बर्तन जो होता है जिसमें स्टिक नहीं लगता है बर्तनों में निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक कौन सा होता है जो हम लोग खाना उना बनाने वाला जो नन स्टिक होता है ना उसमें कौन सा प्रयुक्त करते, करते हैं हम लोग नन स्टिक जिसका इस्तेमाल नहीं करते बताइए क्या यही है क्या मैंने जो बोला ये सही है ऐसे सवाल बनते रहते हैं सॉरी जो कर रहा हूँ चलिए ऑप्शन नंबर डी टिफलॉन का ठीक है चलिए ला ला है क्या है बताइए ला कैसे बोलते हैं लाह एक है क्या है बताइए ला एक है लाख ए है, ला है? बताइए क्या है आपके सामने एक सबसे सौरम प्रश्न का आंसर कर जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक बहुलक क्या है ला एक प्राकृतिक बहुलक है, है। सबसे ऊपर आपने मारा था ये क्वेश्चन रिपीट किया था मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है बताइए मानव निर्मित जो है प्रथम कृत्रिम रेशा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये सिर्फ बोलिए हम ऑप्शन नंबर बी नाइलॉन ठीक है रेनॉन नहीं चलिए नायलॉन बनने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है सॉरी कच्चा पदार्थ क्या है बताइएगा नायलॉन बनने के लिए कच्चा पदार्थ बताइए आपके सामने चार ऑप्शन है और अंतिम प्रश्न है रासायनिक का सभी संपूर्ण क्वेश्चन एक सौ प्रश्न है इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन बिहार कहाँ से पूछेगा उसका दम नहीं है चलिए एक सौ उन्नीस का आंसर का जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी एडी फिक ओके जय हिंद जय भारत मैं कहूँगा किताब तो उताब छोड़ दीजिए सिर्फ एम सी से रिजल्ट नहीं आया तो बोलिएगा जय हिंद जय जै भारत अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा रीडिंग का भी डालते रहें चार बजे अगर अच्छा लग रहा है तो एक वीडियो डाला हूँ उसे आगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए तो मैं आगे बढ़ाऊँगा नहीं तो छोड़ दूंगा सोचूंगा पसंद नहीं है